गर्मियों की एक सुबह हिरा बेदार हुई, फजर की नमाज अदा की, दुआ मांगी और फिर सो गई। 3 महीने बाद उसके मैट्रिक के इम्तहान होने वाले थे, मगर हिरा ने कभी इस पर संजीदगी से गौर ही न करना चाहा। अम्मी से अक्सर इस बात पर डांट भी पड़ती, मगर हिरा के सर पर जूं तक न रेंगती थी। बड़े बड़े ख्वाब देखना हिरा का है मशगूला था। अपनी अम्मी को तसल्ली देने के लिए हिरा ने कहा, अम्मी जान आप फिक्र न करें, मैं इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल करूंगी और बोर्ड में टॉप करके आपका और अबू का सर फ़र्श से बुलंद करूंगी। अम्मी, हिरा टॉप करने के लिए पढ़ना भी ज़रूरी होता है। हिरा के अबू ने हिरा को बुलाकर कहा, बेटा इस दुनिया में इंसान की इज्जत तालीम के बदौलत ही होती है, तुम दिल लगा कर पढ़ो ताकि मुझे तुम पर फ़ख्र महसूस हो। हिरा, अबू फिक्र ना करे, मैं आपका सर फ़ख्र से बुलंद करूँगी। अबू के इस जुमले ने हिरा के दिल में घर कर लिया और हिरा ने तन मन धन में बाजी लगा कर पढ़ना शुरू कर दिया। फिर दिन किया और रात किया, आहर 6 माह बाद हिरा के इम्तहान का नतीजा अहद होना था। अम्मी जान ने शुक्राने के लिए तौर पर हिरा के सिर्फ पास होने जाने पर भी देख बांटने का इरादा किया था। सब लोग हिरा को अंडर एस्टिमेट करते थे। आहरकार वो दिन आ गया जब इसका नतीजा निकलना था। घड़ी की सुई टिक टिक के साथ साथ सबके दिल धक धक कर रहे थे, मगर हिरा इधर उधर हशाश बशाश फिर रही थी क्योंकि उसे मालूम था कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। आखिर 10:10 पर पता चला कि हिरा ने ना सिर्फ अपने स्कूल में मगर पूरे बोर्ड में टॉप किया है। 1 मिनट के लिए तो सुकून सा छा गया था। किसी को यकीन ना आ रहा था कि हिरा इस कदर काबिल और जहीन निकलेगी। पूरे महल्ले में मिठाइयाँ बांटी गई, लोगों को मुबारकबाद देने के फ़ोन आने लगे। आहर मैट्रिक के नतीजे के बाद हिरा को अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। 2 साल बाद हिरा के अबू ने उसे आगे पढ़ने के लिए बाहर भेजा। 6 साल बाद हिरा PhD करके वापस लौटी। हिरा के अबू ने हिरा को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी मुझे तुम पर फ़ख्र है और अल्लाह तुम जैसी बेटी हर एक को दे। अबू के ये अल्फाज सुनकर हिरा की आंखों में आंसू आ गए। हिरा की ज़िंदगी का मकसद भी यही था कि वो अपने वालदैन के लिए बाहर से फ़ख्र बने, और ये मकसद पूरा हो गया। हिरा की ज़ुबान से बेख्तियार ये शेर निकला, जब हिम्मत जवान हो और जज्बे जुनून बन जाए तो मंजिलें खुद आगे बढ़कर सलाम करती हैं। फिर हिरा की शादी बहुत अमीर ख़ानदान में हुई। उसे दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालक में बार बार जाने का मौका मिला। हिरा अपने अम्मी अबू को साथ लेकर हज करने भी गई। हिरा ने अपनी तालीम के ज़रिए दूसरों को भी फैलयाब किया। उन्होंने गरीब तलबा के लिए मुफ्त स्कूल बना रखा था ताकि वो भी तालीम के बलबोते पर वही मुकाम हासिल कर सकें जैसा हिरा ने पाया।